लेकिन आज उसकी वजह से हालांकि अब वो भी उसका भी दुख हो रहा है। जौहर को कौन पढ़ता है, राम नारायण पांडे को कौन पढ़ता है, इनकी पुस्तक में भी डॉक्टर रचना प्रकाश की जो होता है कि महिलाओं का जो पक्ष है वो उनके माधुर्य पक्ष के ऊपर अधिक जोर दिया जाता है। वीर रस का उनका क्या जो है वीरत्व है और क्या उनका प्रभाव है, मानी जा रही है उजास, उजास जो है जिसमें कि मीनाक्षी और सृजन की कथा है, वो सचमुच बहुत मर्मस्पर्शी है। और जो उसमें मीनाक्षी का रूप एक तो हमारे बीच डॉक्टर अर्चना प्रकाश जी मौजूद हैं, जिनकी आज पुस्तक का विमोचन हुआ है। हम उनसे बात कर लेते हैं, क्या खास है इस पुस्तक में? ये पुस्तक भारतीय सेना, अच्छा पुस्तक का नाम बता दीजिए पहले। पुस्तक का नाम है उनींदे ख्वाब जी। हमारी फौज में बहुत से छोटे छोटे लड़के 15 साल के 16 साल के बड़े ऊंचे सपने लेके जाते हैं सेना में, भर्ती होते हैं और बहुत सारे आतंकवादियों को मारकर वो शहीद होते हैं। तो उनकी आंखों के जो सपने थे वो उसी को लेकर उनींदे ख्वाब दिया है टाइटल। और पुस्तक में जो सभी कहानियां हैं वो उ अल्फ़ाबेट से शुरू होती हैं। उत्तुंगाशीष, उद्बुद्ध प्रेम, उद्बुद्ध शौर्य, तो उससे शुरू करने का मेरा ये अभिप्राय है कि हम हमारे जीवन में हिंदू धर्म में ओम का बहुत महत्व है और पाणिनि ने ओम को पूरे में हर जगह व्याप्त बताया। जब फौजी शहीद होता है तो वो ओम कहते हुए प्राण छोड़ता है, तो इसलिए क्योंकि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को शांति मिले और इस पुस्तक को नया आयाम मिले, हमने सारी कहानियों के शीर्षक का पहला वर्ण उ रखा हुआ है। और हमारी बेटी और हमारे दामाद फौज में कर्नल है और हमारा शहीद कॉलोनी में और ये कैंट कॉलोनी में काफ़ी आना जाना रहता है, तो वहाँ हमने देखा कि ये जो हमारी फौजें हैं उनको हमारी सरकार की तरफ से जो सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए और उनके परिवार को जब वो शहीद हो जाते हैं, जो बच्चे शहीद हो जाते हैं तो उनके परिवार को उतना गवर्नमेंट सहारा नहीं देती है, तो उसको जो जो मुझे दुख हुआ और तब मैंने ये पुस्तक लिखने का सोचा कि जन जन में इस बात को पहुँचाएँ और कहीं ना कहीं से वो हमारी सरकार के कानों में भी आवाज़ पहुँचेगी। अर्चना जी, इस पुस्तक में कुल कितनी रचनाएं हैं, कितनी कहानियां हैं और ये पुस्तक किस शैली में आधारित है? ये 12 कहानियों का संग्रह है और ये कथा संग्रह है, गद्य शैली में आधारित है। और सभी कहानियों में जो हमारे नौजवान जो फौजी हैं, जो बहादुर रणबांकुरे हैं, तो उनकी जो जब उनकी शहादत हो जाती है उसके बाद उनकी जो पत्नियां जो संघर्ष करती हैं उस संघर्ष का चित्रण है कि वो एक आपको बहुत अंतर मिलेगा एक फौजी की जो पत्नी होती है उस नारी में और एक जो कॉमन हाउस वाइफ होती है उस नारी में, वो जितनी उत्साह जितनी हिम्मत वाली होती है वो यहाँ मतलब साधारण जो महिलाएं होती हैं उनसे उनमें बहुत कम होता है। वो अपने फौजी पति से जो लेती है प्रेरणा, जो साहस लेती है, उस साहस के दम पर वो बेटे को भी कर्नल बनाती है, ब्रिगेडियर बनाती है और खुद आ जाती है, उनकी वर्दी पहन के खड़ी हो जाती है फौज में और वही काम करती है जो उनके पति ने किया था कि चलो आतंकवादियों को ढेर करेंगे। ठीक, आज डॉक्टर अर्चना प्रकाश की पुस्तक उनींदे ख्वाब का विमोचन किया गया। इस अवसर पर तमाम साहित्यकार रचनाकारों ने भाग लिया। कैमरामैन अनिल तिवारी के साथ जाहिद अली की रिपोर्ट, प्रेस मैन न्यूज़, लखनऊ।